बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज मैं फिर हाजिर हुए एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ कैरेमल क्रीमी चाय। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बड़ी प्यारी रेसिपी लेके आया हूँ और ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आज मैं लेके आया हूँ कैरेमल क्रीमी चाय और ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और सर्दियों का मौसम है और ये चाय इतनी ज़बरदस्त बनती है, आपने इस चाय का लुत्फ़ उठाना और इसको एंड तक देखना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना ताकि कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और ये लाजमी बताया करें कि आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आपके तआवुन का मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और पैन रख दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये मेरे पास 50 ग्राम चीनी है, आप चीनी अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास 30 ग्राम पत्ती है और मैं इसको कैरेमल बनाऊँगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसका कैरेमल बनाना है और कोई मुश्किल नहीं है। और मेरी जितनी रेसिपियाँ सब आसान होती हैं और मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि हमारी चीनी और पत्ती ये कैरेमल हो गई है। और अब इसके अंदर ये देखें, ये मेरे पास हाफ के जी मिल्क है और ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। और ये देख रहे हैं, ये हल हो जाएगी ये सारी। ये देखें, हमारी चाय में उबाला आ गया और जो मैंने कैरेमल बनाया था वो ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। ये देखें, इसमें सारा घुल गया। ये देखें, ये देख रहे हैं और उबाला आ गया। अब इसके अंदर ये मैं क्रीम डालूँगा। ये देखें, ये क्रीम आ जाएगी, ये फ्रेश क्रीम है, ये इसके अंदर आ जाएगी। ज़बरदस्त ये चाय बन रही है। इंशाल्लाह ताला मैं चाय की बहुत सारी वैरायटियां हैं वो मैं आपको सारी वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा चाय की, ज़बरदस्त। अब ये देखें, फ्रेश क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये फ्रेश क्रीम 100 ग्राम फ्रेश क्रीम थी। ये देखें, आप मेरे लिंक के अंदर चले आना, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। और जो ये मैंने फ्रेश क्रीम डाली है, इस फ्रेश क्रीम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं ये फ्लेम बंद कर रहा हूँ और हमारी चाय ये देखें कितनी ज़बरदस्त, और इसका कलर देखें, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है ये। और ये मैं फ्लेम बंद कर दिया, अब मैं इसको कपों में डालूँगा। और ये देखें, मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला और आपने इसको पकाना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, ये देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आ गया इसका। और बड़ी जायकेदार चाय बनी है ये, देख रहे हैं हमारी चाय पक रही है। और आप इसको खूब बनाएं, इसका जायका ज़बरदस्त बनेगा और जितना आप पकाएंगे इसका कलर भी ज़बरदस्त आएगा और कैरेमल भी इसमें कलर छोड़ेगा। देखें, अब मैं इसको कप में डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ी टेस्टी चाय बनी है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें, मैंने कप में डाल दी है। और ये देखें, माशाल्लाह हमारी गर्मा गर्म कैरेमल क्रीमी चाय तैयार हो गई है। और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपने लाजमी बनाना है और मेहमान भी बड़े खुश होंगे। और ये डिफरेंट चाय है, बड़ी प्यारी चाय है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। और अब मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आप मेरी वीडियो को स्किप ना क्या करें, तो मेरी रेसिपियाँ वैसे भी बहुत आसान होती हैं और मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।